चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन 1 ग्राम ऑफ सॉलिड देयर आर 5×10^21 एटम्स। इफ वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम एवरी वन ऑफ 0.01% एटम ऑफ सॉलिड, द चार्ज गेन बाय द सॉलिड इज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है यहाँ पर। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? अगर इसका इस पूरे नंबर में से 0.01%, इसका 0.01% कितना होगा? चलो देखते हैं, इसको कैसे लिख दें। इसका 0.01%, इसको n मान लें, 0.01% ऑफ n, ये कहलाएगा स्मॉल n, हम ये कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो स्मॉल n इज इक्वल टू क्या होगा, 0.01% को 1/100 कर दें, इंटू n की वैल्यू कितनी है, 5×10^21, कितना आएगा ये सॉल्व करो तो, ये आएगा 0.01 × 5×10^19 और ये 5×10^17 आएगा n की वैल्यू, करेक्ट है, n की वैल्यू ये आ गई। अब इतनी यानी इतने ही हर एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन q इज इक्वल टू एनी, n की वैल्यू 5×10^17 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6×10^-19 कूलम्ब, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q इज इक्वल टू आ जाएगा 5×1.6 कितना आएगा, 8.0×10^-2 कूलम्ब आएगा, 8 पॉइंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.08 कूलम्ब भी तो लिख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है, प्लस में आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, रिमूव किया जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज तो आएगा उस पर, तो 0.08 कूलम्ब ये ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन